के ऊपर का जो है हमें कैमरा मिल गया, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का कैमरा था, उनको पेस्टर किया तो वहाँ से हमें वहाँ से फुटेज मिल गया गंगा ब्रिज के ऊपर का। तो वहाँ पे 7:38 के आसपास जो है वहाँ पर हमें उनकी गाड़ी जो कि वरना गाड़ी है सफ़ेद रंग की, वो वहाँ से जाते हुए दिखती है, वो वहाँ से गाड़ी से निकलते हुए दिखते। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खुद से बंद भी किया है और वहाँ से वो चलते हुए जाते दिखते हैं पेडेस्ट्रियन पाथवे पे जो कि पीछे की तरफ है टुवर्ड्स आजीपुर, वहाँ पे जो है वो पैदल चलते हुए जाते दिखते हैं। वहाँ पे कोई फोर्सफुली ऐसा अभी तक हमको वहाँ पर नहीं दिखा है कि किसी ने उनको फोर्सफुली वहाँ से उतारा हो या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से निकल कर सामने आ रही है, जहाँ आपको बताते चले कि पटना के चर्चित डॉक्टर लापता कांड में पुलिस को बड़ी सुराग हाथ लगी। दरअसल NMCH के डॉक्टर के लापता होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद बिहार की पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई थी, पटना पुलिस अलर्ट हो गई थी। अब इस मामले में पटना पुलिस को बड़ी सुराग हाथ लगी है। CCTV फुटेज जो है वो मिली है। IPS काम्या मिश्रा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है, क्या कुछ कह रही है काम्या मिश्रा, पहले हम आपको सुनवाते हैं फिर हम आपको बताते हैं दरअसल ये पूरा कांड क्या है। अभी जो है हमें लेटेस्ट उसी में यही है कि हमें गंगा ब्रिज के ऊपर का जो है हमें कैमरा मिल गया, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का कैमरा था, उनको पेस्टर किया तो वहाँ से हमें वहाँ से फुटेज मिल गया गंगा ब्रिज के ऊपर का। तो वहाँ पे 7:38 के आसपास जो है वहाँ पर हमें उनकी गाड़ी जो कि वरना गाड़ी है सफ़ेद रंग की, वो वहाँ से जाते हुए दिखती है, एक यू टर्न लगती है और जहाँ से सुबह को गाड़ी बरामद हुई है वहीं पर वो गाड़ी पार्क लगती मिलती है। वहाँ से डॉक्टर साहब जो है वो वहाँ से गाड़ी से निकलते हुए दिखते। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खुद से बंद भी किया है और वहाँ से वो चलते हुए जाते दिखते हैं पेडेस्ट्रियन पाथवे पे जो कि पीछे की तरफ है टुवर्ड्स आजीपुर, वहाँ पे जो है वो पैदल चलते हुए जाते दिखते हैं। वहाँ पे कोई फोर्सफुली ऐसा अभी तक हमको वहाँ पर नहीं दिखा है कि किसी ने उनको फोर्सफुली वहाँ से उतारा हो या कुछ। तो पटना के चर्चित डॉक्टर के अचानक लापता होने के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है। सदर SP काम्या मिश्रा ने बताया कि घटना वाले दिन गंगा ब्रिज पर लगे CCTV कैमरे में शाम 7:38 पर लापता डॉक्टर संजय कुमार की कार दिखी है। फुटेज के मुताबिक घटनास्थल पर यूटर्न लेकर डॉक्टर ने खुद उजले कलर की वरना कार को पार्क किया है, इसके बाद कार से बाहर निकले और खुद कार का दरवाजा बंद कर दिया। मिश्रा ने कहा कि CCTV के फुटेज में कोई जोर जबरदस्ती का सबूत नहीं मिला है। बताते चले कि नालंदा मेडिकल कॉलेज यानी NMCH के फार्मेलॉजी विभाग के अध्यक्ष एवं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार बुधवार की देर शाम रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो गए। गुरुवार की सुबह उनकी कार गंगा सेतु के पास लवारिस मिली। गाड़ी से उनके दोनों मोबाइल और चश्मा बरामद किए गए। डॉक्टर की पत्नी प्रोफेसर सलोनी कुमारी की लिखित शिकायत पर पत्रकार नगर थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताते चले हालांकि पीड़ित परिवार को अब तक फिरौती के लिए कॉल नहीं आई है। प्रोफेसर सलोनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट साइंस के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हैं। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां NMCH के डॉक्टर जो लापता हो गए थे, इनके इस मामले में एक अहम सुराग जो है वो पटना पुलिस को हाथ लगी है। CCTV फुटेज हाथ लगी है, जिसमें डॉक्टर जो है वो वर्ना कार से, एक सफ़ेद रंग की वर्ना कार से खुद जाते हैं, उस कार से खुद बाहर निकलते हैं। उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होने की कोई सबूत नहीं मिली है। अब इस मामले में खुलासा, जो भी कुछ अपडेट्स आएगा हम आपको इससे वाकिफ करवाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप और भी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।